जब चेन को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरा कैसेट में, तीसरा कैसेट में, तो देखिए किस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है। नट को इस तरह से आपको जो है खोल लेना, ठीक है। लूज करेंगे तो इसका जो वायर है वो आपको बाहर आ जाएगा। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लूज कर दिए हैं। ये जो लो वाला स्क्रू आप देख रहे हैं इसे आपको लूज करना, ठीक है गाइस। तो ये जब आप लूज करेंगे तो देखिए डेरेलर का जो सेटिंग है गाइस वो आपका मिडिल से हट गया, ठीक है। 8-9 नंबर का आपको स्पेनर ले लेना है, उसके बाद या फिर आपका एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है तो 5 mm का एलेंकी ले लेना है। उसके बाद आपको जो है नट को लूज करना है इस तरह से, ठीक है गाइस। इस तरह से नट को टाइट कर देना है। सो गाइस गियर को शिफ्ट करके देखते हैं सही से शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो गाइस लीवर को प्रेस किए, देखिए एक बार में शिफ्ट हो रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आसानी से शिफ्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से गाइस आपको मिला लेना है जिस तरह से हम बताएं, एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम। गाइस आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं, जैसा कि ये आप गियर साइकिल देख पा रहे हैं तो फ्रंट डिरेलर इसका क्या हुआ कि सेटिंग इसका जो होता है वो थोड़ा बिगड़ गया है। सेटिंग बिगड़ने का वजह से इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, साइकिलिंग करते समय जब चेन को शिफ्ट करते हैं तो ये जो गियर का कैसेट आप देख पा रहे हैं तो फ्रंट गियर में आपको 3 कैसेट रहता है, सही से ये सब गियर में चेन जो है शिफ्ट नहीं होता है। तो इसका प्रॉब्लम जो होता है ये डिरेलर से होता है। तो ये किस वजह से होता है, किस कारण से होता है, आप लोग को अच्छे से बताते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपका गियर साइकिल में होता है फ्रंट डिरेलर में शिफ्ट करते समय अगर सही से शिफ्ट नहीं हो पाता है चेन, तो इसका क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या आएगा और इसे कैसे फिक्स करना है। अगर आपके पास गियर साइकिल है और गियर साइकिल का फ्रंट डिरेलर में ये प्रॉब्लम होता है, सही से वर्क नहीं करता, सही से चेन शिफ्टिंग नहीं होता है एक दूसरे में, इसके रिलेटेड में बहुत सारे ऐसे हमारे डियर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो कि हमें कमेंट किए हैं, राजू भाई आप बताओ फ्रंट डिरेलर का सेटिंग अगर बिगड़ जाता है तो उसे कैसे ठीक करें, हम अपने से किस तरह से कर सकते हैं। तो उन्हीं लोगों का आधार पर ये वीडियो को बना रहे हैं, आप लोग का बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो चलिए आप लोग का कीमती समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे डिरेलर का सेटिंग क्या होता है और सेटिंग किस तरह से रहता है, उसके बाद आप लोग को बताएंगे सेटिंग बिगड़ जाने के बाद इसे फिक्स कैसे करना है। तो हमारा साइकिल का जो डिरेलर है ये ऑलरेडी सेटिंग इसका बिगड़ा हुआ है, हम आप लोग को डिरेलर का सेटिंग दिखाते हैं किस तरह से बिगड़ा है और ये सेटिंग को मिलाना है किस तरह से, किस तरह से ठीक होगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, बस आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को बारीकी से देखें तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और अपना साइकिल का डिरेलर का सेटिंग को मिला पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी तरह से और सारा चीज आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। सो गाइस शिफ्टिंग करते हुए आप लोग को हम दिखाते हैं, फिर आप लोग को आगे बताएंगे किस तरह से ठीक करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब चेन को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरा कैसेट में, तीसरा कैसेट में, तो देखिए किस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा कैसेट में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तीसरा कैसेट में थोड़ा कम कर रहा है। तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं इसे ठीक कैसे करना है, किस तरह से किया जाता है। सो गाइस डिरेलर का आप लोग को हम सेटिंग दिखाते हैं, तो सेटिंग को अच्छे से और ध्यान से देखें सेटिंग किस तरह से डिरेलर का है अभी, और हम आप लोग को क्या चीज बताना चाह रहे हैं पहले, ठीक है गाइस। तो जैसा कि आप ये डिरेलर देख पा रहे हैं गाइस, ये जो डिरेलर का सामने वाला जो लीवर वाला सिस्टम देख रहे हैं गाइस, तो ये सिस्टम देखिए अलाइन का प्रॉब्लम है इसका, किस तरह से हम आप लोग को अच्छे से बताते हैं। देखिए कैमरा में आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप लोग को हम अच्छे से समझाने का, दिखाने का और बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो जैसा कि ये डिरेलर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ही देखिए यहाँ का गैपिंग देखिए कितना कम है, ठीक है गाइस। और सामने का जो नीचे का गैपिंग आप देख रहे हैं इस जगह का, तो ये देखिए ये आपका अंदर की ओर दबा हुआ है, ठीक है गाइस। जैसा कि डिरेलर आप देख पा रहे हैं, यानी पीछे का जो लीवर का हिस्सा है गाइस जो चेन को शिफ्ट करता है, तो ये वाला आपका अंदर की ओर दबा हुआ है और सामने वाला जो है आपका ये बाहर की ओर थोड़ा सा भागा हुआ है। मतलब गाइस कहने का मतलब ये है, जैसा कि आप ये स्पैनर देख रहे हैं, ठीक है, हम आपको स्पैनर का थ्रू समझा रहे हैं। तो स्पैनर देखिए गाइस अभी आपका स्टेड में है, ठीक है गाइस। तो डिरेलर जो है स्टेड में रहता है, तो स्टेड में ना होने के वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से तिरछा है, ठीक है गाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका माइनर तिरछा है, ठीक है। तो इसके वजह से चेन जो है सही से वर्क नहीं करता, जब शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आता है इसी चीज़ का वजह से, और वही चीज़ हम आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है गाइस, डिरेलर का जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपका अंदर की ओर दबा हुआ है और डिरेलर का जो सामने वाला हिस्सा है वो आपको बाहर तरफ है, यानी जिस तरह से हम आप लोग को समझाएं गाइस, तो ये आपका तिरछा हो गया है, ठीक है, इस तरह से। तो इसे आपको फिर से जो है स्टेड में करना है, मिडिल पर करना है। अगर आप स्टेड में कर देते
सकते हैं इस तरह से और मिडिल पे, तो ये जो प्रॉब्लम है चेन शिफ्टिंग का, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज़ और हम आप लोग को क्लियर करना चाहेंगे गाइस, आपके पास किसी भी टाइप का कैसा भी गियर साइकिल हो गाइस, जिस तरह से बता रहे हैं इसी तरह से करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस आपको क्या करना है, एक आपको स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा, तो मेल फीमेल होना चाहिए, तो एक आपको स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और एक आपको 8-9 नंबर का स्पेनर ले लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप ड्वेलर को शिफ्ट करके रखे हैं तो इसे आपको अनशिफ्ट कर लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा शिफ्ट है, 3 नंबर का गियर का कैसेट में जो है चेन आपका शिफ्ट किया हुआ है, तो इसे आपको जो है अनशिफ्ट कर लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं हम अनशिफ्ट कर लिए हैं। सो गाइस इस तरह का अगर आपका साइकिल का डिरेलर में नट लगा हुआ है 8-9 नंबर का, ठीक है, ये आपका 9 नंबर का नट रहता है, तो नट को इस तरह से आपको जो है खोल लेना, ठीक है, लूज करेंगे तो इसका जो वायर है वो आपको बाहर आ जाएगा। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लूज कर दिए हैं, ठीक है, तो ये हमारा वायर बाहर आ गया, तो इस तरह से आपको वायर को पहले निकाल लेना है, ठीक है, ड्वेलर से अलग कर लेना है। और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे गाइस, बहुत तरह का गियर वाली साइकिल में बहुत तरह का फीचर्स रहता है, किसी किसी में नट रहता है, किसी किसी में आपका जो है एलंकी नट रहता है, तो यहाँ पर जो एलंकी नट रहेगा वो आपका जो है 5 mm का रहेगा, ठीक है। और ये जैसा कि वायर आप देख पा रहे हैं तो इसका वायर जो है ऊपर की ओर से आया हुआ है, किसी किसी का जो ड्वेलर का जो सेटिंग होता है वो आपका नीचे से होता है, तो जो ये वायर आएगा गियर वाली, तो गियर वाली वायर जो आएगा आपका नीचे से आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देते हुए आपको अपना हिसाब से कर लेना है। अगर एलंकी बोल्ट रहेगा तो 5 mm एलंकी लगेगा इस जगह में, तो आपको एलंकी पहले ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपोजिट साइड में आ जाना है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ड्यूरेलर का जो क्लैंप है, तो यहाँ पर देखिए एक नट लगा हुआ होगा, ठीक है गाइस, तो ये नट को आपको क्या करना है, लूज करना है, माइनर लूज करना है, ज़्यादा लूज नहीं करना है, ठीक है। और लूज करते समय आपको ध्यान देना है कि ये जो ड्यूरेलर का जो सेटिंग है ना नीचे होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए, एक जगह में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको मिलाना है, किस तरह से आप लोग को आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये भी जो बोल्ट आप देख रहे हैं तो ये आपका 9 नंबर साइज का बोल्ट लगा हुआ है, तो किसी किसी में आपका जो है एलंकी बोल्ट रहेगा जो कि 5 mm का रहेगा, ठीक है, ये भी चीज़ हम आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं ये बोल्ट को लूज करने के बाद किस तरह से डिरेलर का अलाइन को मिलाना है, एकदम मिडिल पे करना है, स्टेड में करना है। तो उससे पहले हम आप लोग को कुछ दिखाना चाहेंगे इसे लूज करने से पहले और ये ठीक करने से पहले। बैक साइड में आपको क्या करना है, ये चीज़ को ध्यान देना है, ये जो फिरव्हील का आप कैसेट देख पा रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 नंबर का कैसेट में ला करके रखना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो हम 7 नंबर का छोटा वाला कैसेट में ला के रख लिए हैं चेन को, तो इस तरह से आपको पहले ला के रखना है, उसके बाद फिर फ्रंट डिरेलर का सेटिंग को मिलाना है। जैसा कि गाइस हम आप लोग को ये सब सेटिंग बता दिए, तो ये सब सेटिंग आप लोग को पहले ध्यान दे लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रंट डिरेलर के पास में आना है। जैसा कि आप फ्रंट डिरेलर देख पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो चेन आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा गैपिंग है, लेकिन गाइस ये आपका जो है जैसा कि देख पा रहे हैं राइट साइड का जो लीवर है गाइस, ठीक है, डिरेलर का जो लीवर है, इसमें आपका टच कर रहा है, मिडिल पे नहीं है। तो यही चीज़ को आपको क्या करना है, मिडिल पे करना है, ये जो डिरेलर का आप लीवर देख रहे हैं, तो इसे आपको मिडिल पे करना है, चेन एकदम डिरेलर का मिडिल पे रहेगा, डिरेलर का जो ये आप लीवर देख रहे हैं तो इसका बीचों बीच में रहना चाहिए। तो चलिए हम सेटिंग कर लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। लेकिन गाइस इसमें एक चीज़ और आप लोग को क्लियर करते हैं अच्छे से, जैसा कि ये डिरेलर आप देख पा रहे हैं और चेन देखिए इस तरह से डिरेलर में गिया हुआ है, और डिरेलर का जो लीवर है नीचे से, देखिए हम आप लोग को थोड़ा सा नज़दीकी से दिखाते हैं अच्छे से, जैसा कि हम आप लोग को नज़दीकी से दिखा रहे हैं, तो आपको क्या करना है गाइस, डिरेलर का जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर देखिए गैपिंग कितना है, ठीक है गाइस, यानी ज़्यादा गैपिंग नहीं है आपका, 1/2 इंची से भी कम गैपिंग है, ठीक है, इतना गैपिंग पे आपको अपना साइकिल का चेन को देखना है, ठीक है। डिरेलर का जो लीवर है इसमें आपको टच नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस, हल्का सा भी रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए इस तरह का भी रहेगा ना तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी गैपिंग होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए लीवर में, ठीक है, डिरेलर का लीवर में टच नहीं होना चाहिए, इस तरह से देख करके आपको मिडिल पे करना है। अब चलिए आपको बताते हैं मिडिल पे किस तरह से करना है। 8-9 नंबर का आपको स्पेनर ले लेना है, उसके बाद या फिर आपका एलंकी बोल्ट लगा हुआ है तो 5 mm का एलंकी ले लेना है, उसके बाद आपको जो है नट को लूज करना है इस तरह से, ठीक है गाइस, ज़्यादा नहीं, माइनर में आपको लूज करना है,
ठीक है। लूज करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह का कोई भी एक आपको जुगाड़ ले लेना है, और जैसा कि हम आपको बताएं ये जो डिरेलर है ये आपका तिरछा है इस तरह से, तो हमें जो है डिरेलर को एकदम स्ट्रेट में करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि ये नट को हम लूज करके दिखाएं आप लोग को, लूज करने के बाद हल्का हल्का हम इसे जो है हथौड़ी से प्रेस करेंगे, ठीक है गाइस। इसको हम मिडिल पे करने के लिए हल्का सा माइनर करेंगे, ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। जब ये चेन हमारा मिडिल पे आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन गाइस जैसा कि हम आप लोग को पहले ही बताएं ये आपका ना नीचे होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ को ध्यान देते हुए आपको करना है, ज़रा सा भी ऊपर नीचे खिसकना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर एक चेन आपका डिरेलर में नीचे में सटता है तो इसे आपको डिरेलर को हल्का सा और नीचे करना है, इस तरह से चेन अगर ज़्यादा गैपिंग बता रहा है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, डिरेलर को ऊपर करना है। अगर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई टच नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ राइट साइड में हो या फिर लेफ्ट साइड में टच कर रहा है, तो इस तरह से आपको जो है लूज करने के बाद नट को, ठीक है, नट को लूज करने के बाद और इस तरह से आपको जो है मिडिल पर मिलाना है डिरेलर को, ठीक है गाइस। तो चलिए हम मिडिल पर मिला लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। मिडिल पे मिला लिए हैं गाइस, ठीक है। मिडिल पे मिलाने के बाद जो है ये नट को जब हम टाइट करेंगे तो टाइट करते समय क्या होता है कि डिरेलर हल्का खींचता है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा करके आपको मिडिल पे करना है, ठीक है। मिडिल पे थोड़ा सा ही नहीं, मिडिल से थोड़ा सा हल्का सा और एक्स्ट्रा करना है। जब आप ये नट को टाइट करेंगे तो ये आपका मिडिल पे आ जाएगा डिरेलर, ठीक है, चेन में आपका सटेगा नहीं, एकदम मिडिल पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं अच्छे से और बताते हैं। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हम जो है एकदम डिरेलर का लीवर जो है उसका मिडिल पे एकदम चेन को कर लिए हैं और डिरेलर को एकदम सेटिंग मिला दिए हैं। तो इस तरह से आपको जो है डिरेलर का सेटिंग को मिला देना है, ठीक है। सेटिंग को मिलाने के बाद आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से आपको जो है सेटिंग को मिलाना, जैसा कि देख पा रहे हैं एकदम फुल मिडिल पे होना चाहिए और चेन आपका जो है डिरेलर में टच नहीं करना चाहिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका गैपिंग में रहना चाहिए। तो ये चीज़ को ध्यान देते हुए आपको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद गाइस ये जो नट आप देख रहे हैं, जो नट को आप लूज़ किए थे, ठीक है, डिरेलर का जो क्लेम वाला नट है इसे आप लूज़ किए थे, तो इसे आपको फुल टाइट देना है, ज़रा सा भी लूज़ नहीं रखना है, एकदम फुल टाइट दे देना है। तो हम फुल टाइट दे दिए हैं। सारा चीज़ कंप्लीट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो स्क्रू देख रहे हैं तो एक आपका हाई है एक आपका लो है, ठीक है, ये दोनों स्क्रू को फिर मिलाना है, ठीक है। अगर सेटिंग सही से है तो छोड़ देना, आपको मिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिरेलर का जो सेटिंग है वो सही से मिलाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं किस तरह से करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिरेलर को एकदम मिडिल पे करने के बाद चेन आपका मिडिल पे रहेगा डिरेलर का लीवर के पास में, इस तरह का सेटिंग मिलाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लो वाला स्क्रू आप देख रहे हैं इसे आपको लूज़ करना है, ठीक है गाइस। तो ये जब आप लूज़ करेंगे तो देखिए डिरेलर का जो सेटिंग है गाइस वो आपका मिडिल से हट गया, ठीक है गाइस। तो ये जो लो वाला स्क्रू है ये चीज़ का काम करता है, जैसा कि हम आप लोग को दिखा दिए। तो आपको क्या करना है, हल्का सा बाहर की ओर करना है और मिडिल पे आपको एकदम कर लेना, ठीक है, स्क्रू से आपको मिला लेना है, मिडिल पे कर लेना है। लेकिन गाइस ये जो लीवर है जैसा कि हम आपको बताएं एकदम स्ट्रेट में होना चाहिए, ठीक है, तिरछा नहीं होना चाहिए इस तरह से, ठीक है गाइस, बेंड नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट में होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट में करके आपको सेटिंग कर लेना है और ये स्क्रू का फंक्शन हम आपको बता दिए लो स्क्रू का, ठीक है। अब हाई स्क्रू का हम आपको फंक्शन बताते हैं। इस तरह से आपको फ्रंट डिरेलर को पकड़ना है और पैडलिंग करते हुए इसे आपको ऊपर करना है हाथ से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो हम हाथ से ऊपर कर दिए हैं। तो गाइस चेन को जो है हम 3 नंबर का गियर कैसेट में चढ़ा लिए हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं और आप लोग को अच्छे से दिखा दिए। उसके बाद गाइस हाई स्क्रू का काम क्या है आप लोग को बताते हैं। तो हाई स्क्रू का काम ये है गाइस, करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपका बाहर साइड की ओर ज़्यादा चला जाएगा तो चेन आपका क्या होगा कि अलाइन का प्रॉब्लम आ जाएगा, चेन आपका जो कैसेट है गियर वाला उससे आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर आपका साइकिल में चेन कवर लगा हुआ रहेगा, डिस्क चेन कवर, तो वो आपका टूटने का संभावना रहेगा, यानी टूट ही जाएगा। तो ये चीज़ को बचाने के लिए ये सेटिंग को किया जाता है हाई स्क्रू से, ठीक है, डिरेलर का जो हाई स्क्रू है तो हाई स्क्रू से मिलाया जाता है। तो हम किस तरह से मिलाएंगे गाइस, तो इसे हमें क्या करना है, एकदम हिसाब से इसे टाइट करना है, ठीक है, इस तरह से हिसाब से टाइट किया जाता है ताकि बाहर ना हो। देखिए गाइस हम हाथ से कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा, ये आपका लॉक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मिलाया जाता है। तो हमारा जो है सेटिंग सही नहीं है तो हम सेटिंग को बिगाड़ दिए आप लोग को समझाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, हम सेटिंग को मिलाते हैं। तो सेटिंग को किस तरह से मिलाना है, इसे आपको लूज़ करना है हल्का सा, ठीक है, लूज़ और टाइट करते हुए देखना है। तो ये देखिए सेटिंग हमारा ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, यानी ज़्यादा बाहर तरफ आ रहा है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये आपको बाहर तरफ ज़्यादा चला जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे,
हल्का सा टाइट करेंगे स्क्रू को, हल्का सा इस तरह से, हल्का सा टाइट करने के बाद इसे हम देखेंगे हाथ से, ठीक है। तो ये आपका जो है एकदम सही है, परपर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको सेटिंग मिला लेना है, यानी हल्का सा आपको फॉल्स रखना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, माइनर आपको फॉल्स रखना है। डिरेलर का लीवर है ये आपका, हल्का सा फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हम आप लोग को अच्छे से समझा दिए, बता दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस तरह से आप गियर वायर को खोलेंगे डिरेलर से, उसी तरह से आपको फिट कर देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो चलिए हम फिट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हल्का सा इस तरह से पकड़ना है और हल्का सा बाहर की ओर करना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, वायर को अच्छे से आपको मिला लेना है यहाँ पर ही, ठीक है। मिला लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना, पकड़ के रखना है और एकदम मिडिल पे आपको देख लेना है, ठीक है, यहाँ पर ही। हल्का सा अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है फॉल्स में, ठीक है। इस तरह से देखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से नट को टाइट कर देना है। इस तरह से नट को आपको टाइट करना है, फिर आपको शिफ्ट करके देखना है कि सही से शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो गाइस, तो हम देख लेते हैं शिफ्ट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए हम शिफ्ट कर रहे हैं गाइस। सो गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा शिफ्ट का प्रॉब्लम आ गया है एकदम, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गियर वायर है इसे थोड़ा सा हमें लूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस, उसी तरह से लूज़ करना है हल्का सा, और वायर को पकड़ के रखना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम वायर को पकड़ के रखे हैं और हल्का सा लूज़ करेंगे। ये देखिए, हम जो है हल्का सा लूज़ कर दिए हैं, ठीक है। लूज़ करने के बाद फिर इसे हम टाइट कर देते हैं नट को। सो गाइस, लूज़ करने के बाद फिर हम नट को टाइट कर दिए हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको नट को टाइट कर देना है, फुल टाइट देने के लिए आपको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, डिरेलर को, और इस तरह से आपको फुल टाइट दे देना है। सो गाइस, गियर को शिफ्ट करके देखते हैं सही से शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो गाइस, लीवर को प्रेस किए, देखिए एक बार में शिफ्ट हो रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास एकदम वर्क कर रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसानी से शिफ्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से गाइस आपको मिला लेना है, जिस तरह से हम बताएं, एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको एक बार में ये वीडियो नहीं समझ में आता, तो आप दोबारा देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्रंट डिरेलर का अगर सेटिंग गड़बड़ा जाता है तो उसे कैसे मिलाना है। हम सारा प्रोसेस आप लोग को बता दिए हैं, A to Z क्लियर कर दिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइस, लास्ट और आखिर में एक चीज़ और आप लोग को हम बताना चाहेंगे, जैसा कि ये डिरेलर आप देख पा रहे हैं गाइस, तो ये डिरेलर में सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग मिलाने से पहले इसमें आपको ऑयलिंग करना है अच्छे से, ठीक है। ऑयलिंग करने के बाद आपको क्या करना है, 2-3 बार शिफ्ट करना है, अनशिफ्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सेटिंग मिलाना है, जिस तरह से बताएं उस तरह से कर लेना है, आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ऑयलिंग करना जरूरी है गाइस, ऑयलिंग करें। ये हमारा पहले से ऑयलिंग किया हुआ था, इसलिए हम आपको ऑयलिंग करते हुए नहीं दिखाएं, लेकिन हम आप लोग को अच्छे से बता दिए।